मैं शाहरुख खान से पूछना चाहूंगा जी कि स्टार लोगों की लाइफ बहुत मस्त होती है सही, कहीं पे भी जाए लोग इनके पीछे भागते हैं। अरे लोग पीछे भागे, कोई अच्छी लाइफ होती है? कभी कभी लगता है ऐसा कि यार दो मिनट के लिए अकेले बैठ जाओ, थोड़ी सी शांति मिले। शांतियां मिल जाती हैं, लेकिन शांति नहीं मिलती। बहुत तकलीफ होती है। अच्छा आप लोग सब कैसा लग रहा है आपको ऐसे सामने देख के? शाहरुख भाई, अभिषेक आपके सामने खड़े हैं, किस बात की हंसी निकल रही है? हमारा बटन खुला रह गया कोई? सर मुझे ये तीन बहुत पसंद है, मैं कुछ भी बोलूं, ये कुछ भी बोलूं, ये सबसे ज्यादा हंसते हैं। क्योंकि चाबी लगा के छोड़ दिया, अपनी चीजें खुद ही कैश कर रहे हैं ना ये। सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आज हम आपकी दिवाली एक अलग तरीके से मना रहे हैं, बिकॉज आज हमारे पास सुपरस्टार्स का भंडार है। तो सबसे पहले मैं जिनको इनवाइट करना चाहता हूं, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच, माय फेवरेट फराह खान। थैंक यू कपिल, और हमारे खर्चे पे जो आप दिवाली मना रहे हो आज यहाँ पर, ये जो सारी डेकोरेशन दिख रही है आपको, लाइटें, ये हैप्पी न्यू ईयर की तरफ से। हमारा बजट पहले ही कम था जो, और ये बजट भी जोड़ दिया। और तो और पाजी, नया सूट भी हमारे खर्चे पे पहना है पाजी। ज्यादा ना हंसो, आपका भी हमारे खर्चे पे। पर मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि ये सूट जो है वो इन्होंने मुझे दिया नहीं है, इनकी ड्रेस इन्होंने रिजेक्ट कर दिए थे, वहां से मैंने उठा, ये मेरी अपनी मेहनत है। वैसे कपिल बहुत हैंडसम लग रहे हो तुम। थैंक्स मैम, एक्चुअली आई एम डूइंग अ मूवी एक्चुअली इन दिस समर। ओह दैट्स व्हाई। ओहो, आप तो बुलाते नहीं हमें, डेट ही नहीं होती है तेरे पास। मेरे महीना लो ना पूरा, डेट एक तो खाली नहीं, पूरा महीना हम लोग तो फ्री है। अच्छा मैम एक बात बताइए, वैसे मैंने देखा आपकी सोच काफी एडवांस है, अभी दिवाली का सीजन चल रहा है और आप हैप्पी न्यू ईयर रिलीज कर रही हैं, आप दिसंबर तक वेट नहीं कर सकती थी? क्या है ना, हम जिस दिन भी पिक्चर रिलीज करें उस दिन हैप्पी न्यू ईयर हो जाएगा। अरे वाह, क्या बात है। आप सबने हैप्पी न्यू ईयर के प्रोमोस देखे होंगे, ये बेसिकली मैं वन लाइनर बताता हूँ आपको कि ये 6 लूजर्स की कहानी है, तो आपने जब लूजर्स को साइन किया तो हमारी फैमिली को कैसे भूल सकती हैं आप? बिगेस्ट लूजर इन दिस वर्ल्ड। नहीं, क्योंकि मेरी फिल्म में ये लूजर्स फिर आगे जाके विनर्स भी हो जाते हैं ना, यहाँ तो कोई उम्मीद ही नहीं है उनकी। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन और, हाँ। आप फिल्म की प्रमोशन करने हैं कि हमारी बेइज्जती करने हैं यहाँ? वैसे पाजी आपने देखा है हैप्पी न्यू ईयर में जितनी स्टार कास्ट, बड़ी स्टार कास्ट है, और जितने लोग प्रमोशन करने के जा रहे हैं सब साथ में जा रहे हैं, ये जो प्रमोशन करने के लिए जाते हैं तो साथ साथ आप विधानसभा के लिए पर्चा भर देती, प्रमोशन की प्रमोशन, रैली की रैली हो जाती। तो छोड़ो कपिल, मेरा वेट ऐसे ही कम नहीं हुआ है। कैसे हुआ? भाग रही हूँ मैं एक वैन से दूसरे वैन तक, इसको बुलाओ, शाहरुख को बुलाओ तो अभिषेक भाग जाता है, उसको बुलाओ तो दीपिका कहीं चली जाती है। मैं सिर्फ वो शेपर्ड होता है ना, क्या बोलते हैं वो जो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, गडरिया, 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 नहीं गडरिया नहीं, शेपर्ड, डायरेक्टर कम शेपर्ड हो गई हूँ। एक बात बताइए मैम, आपकी फिल्म में हमेशा इतनी बड़ी बड़ी क्यों होती है, इतनी खर्चीली क्यों होती है? दीपिका का मेकअप, कॉस्ट्यूम, हेयर, अभिषेक का हेयर ड्रेसर, सोनू सूद के डंबल, तो खर्चा हो ही जाता है ना। विवान के लिए हमको लोग हायर करने पड़ते हैं। अच्छा वैसे क्यों? जो वैन के बाहर खड़े होके ऑटोग्राफ मांगे उससे फिलहाल पिक्चर से पहले, करने पड़ते हैं। अच्छा विवान जो है वो नसीरुद्दीन शाह आपके बेटे हैं, और उनकी ये दूसरी फिल्म है, पहली फिल्म है आपके साथ? दूसरी है, होपफुली इस फिल्म के बाद वी डोंट हैव टू हायर दोस पीपल, अपने आप लोग आएंगे ऑटोग्राफ। चलिए अच्छी बात है, आपने छोटे बच्चे को एक पूरा स्टारडम वाला फील दिया आपने, तो खर्चे काफी हो जाते हैं। अच्छा मैम आपकी सारी जितनी भी मूवीज अब तक आई है वो 3 अक्षरों वाली होती है, ओम शांति ओम, या 30 मार खान,
अब हैप्पी न्यू ईयर. मैं हूं ना, मैं हूं ना. इज इट योर लकी नंबर 3? देखो तीन बच्चे भी हो गए मेरे, मैंने वो प्लान तो नहीं किया था, वो तो लकी नंबर ही हुआ ना मेरा, लकी हो गया. तो फरा मैम की फिल्में तो लार्जर देन लाइफ होती हैं, फैमिली प्लानिंग भी लार्जर देन लाइफ. वेरी नाइस. फरा मैम आपको पता है, थोड़े एक दो महीने पहले साजिद भाई यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने कहा था कि इस बार मैंने अपनी फिल्म में फरा से कोरियोग्राफी नहीं कराई है, तो मेरे गाने काफी अच्छे बने हैं. देख लिया ना क्या हुआ उन गानों का. पर आपकी फिल्म के गाने माशाल्लाह, मतलब कितने खूबसूरत लग रहे हैं. तो आप ही खुद ही कोरियोग्राफ किए हैं आपने? मैंने कुछ किए हैं और गाने मैं डायरेक्ट करती हूँ. वेरी गुड. बड़े बड़े कमाल के गाने लग रहे हैं जो दीपिका कर रही है ना. वो मुझे पता था, वही ना. पहले वो गाना मेरे ऊपर पिक्चराइज था. क्या बात कर रही है. फिर हमने सोचा फिल्म भी हिट करनी है, इसलिए बॉडी मेरी रखी, फेस दीपिका का डाल दिया. फरा मैम से मेरा बहुत ज्यादा प्यार है, इसलिए क्योंकि ये जब भी आती कोई ना कोई गिफ्ट लेके आती है. आज आपके हाथ खाली नजर आ रहे हैं, पिछली बार आई थी दंपति जी गिफ्ट लेके. इतना प्यार है. तू कभी गिफ्ट दे दे मुझे, मैं ही देती रहूं बस. हम कहां से गिफ्ट दें, हमारे से हमारे बिल नहीं दिए जाते हैं, हम कहां से आपको गिफ्ट देंगे. हम तो उम्मीद करते हैं कि बड़ी डायरेक्टर आ रही है, कोई गिफ्ट लेके आएंगे. मैं आज ऐसा गिफ्ट लाई हूं ना, यूनिक नायाब, जो मतलब किसी ने किसी को दिया होगा. क्या एलियन लेके आई है? ऐसा ही समझो. ये वो एक्टर है जो आपके शो में पहली बार आने वाला है. नायाब, नायाब हीरा. एनी गेस ऑडियंस, इससे बड़ा गिफ्ट हो सकता है क्या कोई? अरे वाह, प्लीज वेलकम द वाइट टैलेंटेड एंड हैंडसम मिस्टर अभिषेक बच्चन. देखा हम बेचारे एक्टर लोग हैं तो हम लोग को करना पड़ता है, पैर छूने पड़ते हैं. इससे पहले कि मैं एंटर किया हूं, उन्होंने जाके बोला कि मेरे पैर छूना सब लोगों के सामने अच्छा लगेगा. हम लोग सब सिर्फ कद में बड़े लगते हैं लेकिन हैं बहुत छोटे कलाकार, तो इनके लिए सब कुछ करना पड़ता है. थैंकफुली कास्टिंग काउच तक नहीं पहुंचे हम लोग. अभिषेक भाजी जी, बच्चन फैमिली हमेशा जो है वो पंक्चुअलिटी के लिए फेमस है, आप इतना लेट क्यों आए हमारे शो में? देखिए मुझे अभी 14 साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री में जी, और रेफ्यूजी विच वॉज माई फर्स्ट रिलीज, उसके बाद ही पता चल गया कि बेटा तू अपने बाप की तरह नहीं बन सकता है, छोड़ दो. नहीं, ऐसी बात नहीं है. देखो कल भी बच्चन का दौर था, आज भी बच्चन का दौर है. आपके चाहने वालों का हर तरफ शोर है. यूं तो लाखों सितारे होंगे बॉलीवुड की दुनिया में, पर अभिषेक बच्चन साहब आपकी बात ही कुछ और. थैंक यू, थैंक यू. ये सब लेकिन असलियत मैं आपको बता दूं जी सर, देर से क्यों आए, क्योंकि आपने कभी बुलाया नहीं, आज भी बुलाया नहीं आपने. एक्चुअली शाहरुख को बुलाया, हम लोग सब दहेज में आ गए. बोल बच्चन बोल, आज खोल दिए सबके पोल. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. पहली बार यहाँ आए हो इस शो पे, मैं काफी वेटरन हूँ. लेट मी टेल यू द डूज एंड डोंट. अभी यहाँ पर चाय कॉफी मत मांगना, दूध के पैसे भी तेरे से लेंगे. और अगर मैं ब्लैक कॉफी पीऊँ तो? आप ब्लैक कॉफी लीजिए, हम ब्लैक के पैसे तो मोस्ट वेलकम. दूसरी बात अभिषेक, अपना बटवा, वॉच, रिंग, चेन छुपा के रखना, और पैसे मांगे भी तो मत देना. मैम हम पैसे मांगते हैं. अरे पैसे मांगते भी नहीं, सॉरी, पैसे छीनते हैं ये लोग. तो ये पैसे छीनते हैं, अपनी वॉच चेन जो जो इयररिंग है ना, और चेन चेन स्नैचिंग बहुत चलती है शो पे. अरे हम लोग शो पे आए कि या मेले पे आए? जहां भी चलो उठा दिया ये.
एक्चुअली मेला ही तो है ये, इनके कहने का मतलब ये था, बिकॉज इतने सारे कलाकार आ रहे हैं तो आपको पूरा मेले जैसा फील आएगा. वैसे सर मैंने प्रोमोस देखे हैं जी फिल्म के, उसमें जो आपका किरदार है वो काफी उसकी इंग्लिश मेरे आसपास की है. So is there contemporary rights or you are just enjoying that atmosphere? I think so. देखिए जो हमारा जो किरदार है नंदू भिड़े का, ओके, इंग्लिश झाड़ना उन्हें बहुत पसंद है. ओके, जस्ट लाइक योर कंटेम्प्रेरी इंग्लिश, द सेम फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कंटेम्प्रेरी इंग्लिश इज वेरी फंडामेंटल. इट्स ऑल अबाउट, आई बैक टू से दैट यू नो आई वाज देयर अ स्टूडेंट ऑफ मेडिकल एनवीएस, इट्स ओके. लिसन, ये फिल्म में आपने अभिषेक को रोल दिया है प्योर टपोरी का. अच्छा, सबसे टफ रोल क्यों है? क्योंकि देखो ना तो इन्होंने कभी चौल में माहौल देखा, दुनिया में किसी घर का किसी को ड्रेस पता ना हो. बॉम्बे उतरो आप, किसी तो बोलो बच्चन साहब का घर सबको पता होता है, उनके आसपास वाले भी ड्रेस ऐसे थे. बच्चन साहब का घर देखा, उसके बगल वाला हमारा है. क्या गे? तो इनके लिए मराठी भी मुझे पता नहीं वो बोल लेते हैं या नहीं, टपोरी उन्होंने कभी देखे नहीं होंगे, तो आपको क्या उनमें ऐसा दिखा जो आपने उनको ये टपोरी वाला रोल दिया? एक्चुअली ये उनका कहने का मतलब, कहते मैंने टपोरी नहीं देखे लेकिन वो इशारे से बता रहे थे कि मैंने फराह को काफी ऑब्जर्व किया. इनके डैड के डर से ये थोड़े सोफिस्टिकेटेड बनते हैं, वरना इंडस्ट्री के सबसे बड़े टपोरीज अभिषेक बच्चन. वो क्या है ना भाई, अपुन ना पैदाइशी टपोरी है और इधर आके बहुत रायता फैलाने वाला है अपन लोग इधर. तो क्या है बिड़ो, अपना क्या है कि अपना एकदम बॉस ना एकदम जग्गू दादा है, तो जग्गू दादा के साथ पहली पिक्चर किया तो सब कुछ सीख डाला अपन. अरे वाह, ज्यादा उड़पटांग करके पंगा नहीं लेंगे, डस्ट डालेगा तेरे को डस्ट. अच्छा अभिषेक, आपको ये जब ऐसे रोल मिलते हैं कि टपोरी टपोरी, फरा आपको बोलती भी होंगी नहीं अभिषेक ऐसा नहीं, वो और टपोरी बना लाओ, कभी बीच में आने की आता माजी सटक ली, आई वांट टू डू, तो मतलब व्हाटएवर. सर देखिए, दो तीन बार मैंने कहा भी था आता माजी सटक ली, लेकिन इन्हें समझ में नहीं आया. लेकिन जब भी मैं फंस जाता था कहीं तो मैं फरा के पास जाके बोलता था कि फारा जी तो आज जरा डायलॉग मुझे जरा एक बार सुना दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. फारा की जो हिंदी इतनी क्लिष्ट है, साफ जुबान है उनकी, जरा एक दो डायलॉग बोल दो. ए चलना जाके शॉट देना है, रापटा दूंगी कान के नीचे. मैं कभी ऐसे बोल सकती हूँ कपिल? अभिषेक सर मेरा फेवरेट है. अच्छा, हाँ ये शाहरुख के सामने भी बोलना. कभी नहीं. पर एक बात है अभिषेक भाई, ये सबसे ज्यादा तारीफ आपकी करती है. मैं सोशल नेटवर्किंग साइट पे कभी भी देखो ना तो इनके मैसेज पढ़ते हो कि अभिषेक इज अ फाइन एक्टर. ओ एक मिनट, मेरा फोन चोरी करके ये खुद वो मैसेजेस भेजता है वहां से. मैं आपको, मैं तुझे क्या बोल रही थी, इनसे फोन बचाना. मैं तुझे क्या बोल रही थी, ए दूर क्या. कपिल और पाजी अपने अपने फोन बचा के आप लोग रखिए. क्या मैं शक्ल से दिखता हूँ कि मैं ऐसे कुछ कर सकता हूँ? नहीं, कभी भी नहीं. उनके डैडी अमिताभ बच्चन वो ऐसा कर ही नहीं सकते. Exactly. उनको पूछो उनका फोन कहाँ है. उनका भी कर लेते हैं. अरे ये जो फोन है वो उनका ही है, चुरा के लाया है. ये बस आरोप लगाती है कि मैं ये सब करता हूँ. आज भी अगर आप देखें, ये खुद अपना फोटो खींच के बोलती है, देखो आई एम लुकिंग सो हॉट, हाउ एम आई लुकिंग. अभी मैं कभी कभार बोल देता हूँ कि फारा भी थोड़ा उम्र का लिहाज भी क्या करो यार. सुनो, मैं बाकी एक्टर्स को लेके आती हूँ. हाँ, आपने तो कहा था कितने सारे आ रहे हैं लोग. हाँ, और बुलाओ जितने हमारे नमूने, बुलाइए बुलाइए सब हमारे स्लेव्स, फारा के स्लेव्स. क्या था क्या है? मैं लेके आती हूँ. सुनाई देगी आपको ये सब इनकी कहानियाँ. उफ यार, मैं लेके आती हूँ. चारों को लेके आती हूँ. हाँ लेके आइए प्लीज, क्योंकि यही मेरा काम है, डायरेक्टर होना यही है. अभिषेक बच्चन के लिए जोरदार तालियां. अभिषेक भाई एक बात बताइए जी, जब बचपन में स्कूल में पढ़ते थे आप, तो कभी बच्चों में आपस में कहा सुनी हो जाती ना, तो बच्चे आपस में लड़ते, आपने कभी ऐसे किसी को धौंस जमाई, गए देख लूंगा तेरे को, मेरे डैडी अमिताभ बच्चन है ऐसे? नहीं यार, ऐसे नहीं कभी. नहीं यार, क्योंकि जब मैं 9 साल का था मुझे बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया था. अच्छा, यूरोप में. ओके, तो अगर बोलता भी तो जवाब ही मिलता कि अमिताभ बच्चन कौन है. क्या
सबके सब फॉरेनर्स थे तो उन्हें कुछ पता तो था नहीं, लेकिन ये ऐसे कभी बोला नहीं है मैंने, क्योंकि ज्यादा लोग ये समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हमें बहुत फेमसली बुलाया जाता है, वे कॉल्ड क्या बोलते हैं स्टार किड्स जी। बचपन में जब हम स्कूल जाते थे फर्स्ट स्टैंडर्ड जूनियर के जी, तो मेरे दो तीन मित्र हैं ऋतिक रोशन, उदय चोपड़ा, आदित्य चोपड़ा, गोल्डी बहल, तो हम सब स्कूल एक साथ एक ही गाड़ी में जाते थे। अगर मैं ये कहानी किसी को बताऊं तो उनको लगता है कि यार ऋतिक रोशन, आदित्य चोपड़ा, उदय सबके साथ एक साथ यू नो स्कूल जाते थे, बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमारे लिए तो वो हमारे दोस्त थे जी, किसी और को जानते नहीं थे हम लोग। मेरे पिता हैं अमिताभ बच्चन, घर पे तो पिता थे वो, पापा ही हैं, हाँ जी पापा थे, एंड बाद में जाके सुपरस्टार बाहर, घर के बाहर। मुझे तो लगता था कि हर कोई जो मेरा दोस्त है उसके घर के पास 100 लोग खड़े रहते हैं रोज। मुझे लगता था कि हर के जो पिताजी थे वो 10-10 लोग को एक साथ मारेंगे एम्बुलेंस लाके। तो आपको लगता था कि जो संडे के दिन हमारे घर के बाहर भीड़ लगती, शायद सबके घरों के बाहर लगती है। मुझे वही लगता था, मैं काफी बार अपने दोस्तों के घर बाहर निकल के झांकता था कि समझ में नहीं कहां गया सब लोग। अच्छा अभिषेक, आपको ऐसा नहीं लगता जब आप खाना खाने बैठते हैं कि इधर अमिताभ बच्चन साहब, जया जी बैठी हुई हैं, इस तरफ ऐश्वर्या यहाँ बैठते हैं, चलिए मैं इस तरफ से बोल रहा था, मैं लेफ्टी हूँ और ऐश्वर्या यहाँ बैठती और इस तरफ अभिषेक बच्चन, चारों, तो आपको सच्ची में फैमिली फीलिंग आती है कि आपको लगता है कि फिल्म का सीन चल रहा है, सबके सब सुपरस्टार बैठे हुए हैं? नहीं नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं लगता है। एक्चुअली आप अगर हमें घर पे देखेंगे कभी तो माहौल कुछ ऐसा है कि बहुत ही नॉर्मल है। अच्छा, हमारा एक रूल है घर पे कि अगर सब लोग मुंबई में हो तो दिन का एक बार का जो खाना है वो एक साथ खाना ही पड़ता है सब लोग, और ये एक रूल है जो माँ ने बैठाया था बहुत साल पहले। और दूसरा रूल ये है कि टेबल पे काम के बारे में बात नहीं कर सकते। ओके, तो ये नहीं बोल सकते यार आज कपिल ने बहुत खिंचाई की मेरी। क्योंकि वो एक रूल है कि टेबल पे यू टॉक अबाउट वर्ल्ड अफेयर्स वट एवर बट यू नेवर टॉक अबाउट वर्क, क्योंकि दैट कीप नॉर्मल। और अगर आप घर पे देखें तो आप लोग को आप रियलाइज नहीं कर पाओगे कि ये शायद अमित जी हैं या जय जी या ऐश्वर्या या मैं, हम लोग बहुत ही नॉर्मल से अपना नॉर्मल सा मिडिल क्लास फैमिली है। वाकई झूठ बोले कौवा काटे। आपकी बातों से मुझे काफी कुछ पता चला कि जैसे जया मैम ने काफी रूल्स बनाए हैं, तो मिस्टर बच्चन जो है, मिस्टर सीने बच्चन, घर पे वो भी पति ही है जी। जी बिल्कुल। तो आप लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जो जो भी अपनी पत्नियों के साथ आए हैं, जिनकी पत्नियों ने उनको बच्चे अपने गोद में दिए हुए, कि आप खुद संभालिए इनको, पकड़िए, मैं प्रोग्राम देख रही हूँ। सो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके सामने उदाहरण है कि द ग्रेट मिस्टर अमिताभ बच्चन जो है वो भी घर पे ऐसे ही है। एंड ऑफ द डे जो पत्नी है चुपचाप सुनना चाहिए जो कुछ भी कहें, और रात सोने से पहले वजह हो ना वजह जाके मुझे क्षमा कर दीजिए, बस बहुत खुश रहोगे। वाइफ इज ऑलवेज राइट। सर फरा मैम का एक और भी कहना है, वो कहते हैं कि मैंने अपने बच्चों को सेट पे मिस नहीं किया बिकॉज ये सारे ही बच्चों से भी ज्यादा बड़के हैं। तो सबसे ज्यादा बचपना किस में था आप में, जितनी भी कास्ट थी? मुझे लगता है सबसे ज्यादा बचपना शाहरुख में, और ये मुझे एहसास हुआ बहुत साल पहले, इससे पहले कि मैं एक्टर भी बना था। एक्टर बनने के पहले हम सब दोस्त हमारे एक दोस्त के घर में मिलते थे, क्रिकेट खेलते थे संडे को, और शाहरुख भी वहीं आके हमारे साथ खेलते थे, बहुत बातचीत करते थे हमारे साथ। और उन्होंने मुझसे हमेशा कहा है कि जो दिल के अंदर जो बच्चा रहता है उसे कभी मरने मत देना। ये बात बच्चन साहब ने भी कही थी हमसे। अच्छा, तो शायद उन्होंने शाहरुख से कहा था, शाहरुख ने मुझे चिपका दिया। तो शाहरुख एक्चुअली मैं उन्हें एक बड़ा भाई मानता हूँ और उन्हें बहुत प्यार करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और उन्होंने मुझे हमेशा बहुत सारे शाहरुख का यहाँ भेजा था, आया नहीं। आप कौन? अरे अच्छा, अरे फरा मैम, आप कुशन उठा के देख रही हैं, उसके नीचे कैसे घुस सकता है कोई? ये लोग कहीं भी घुस जाते हैं। मैं एक मिनट पाजी और कपिल, मैं शाहरुख को ढूंढ के आती हूँ, जस्ट वेट यार। चेक कर लीजिए वॉशरूम ना गए हो। वॉशरूम डोंट शो ऑफ नाउ, तुम्हारे घर में वॉशरूम हमारी तो कोई इज्जत नहीं, कोई भी बेइज्जती करेगा हमारे घर में वॉशरूम। हम लोग क्या ईमेल से करते हैं?
शाहरुख भाई ने भी इंट्रोडक्शन नहीं देने दिया, उनको पता मेरा क्या इंट्रोडक्शन देंगे। अरे यार भाई, आप हम लोग जब बोलते हैं ना अब आ रहे हैं वो समझ जाते हैं। अच्छा है भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कपिल, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है मुझे आपके शो पे आना। थैंक यू। करोड़ों दिलों की जान आया है, हैप्पी न्यू ईयर का लेके पैगाम आया है। रुक जाती हैं सांसें, थम जाती है जमीन जब भी बॉलीवुड का बादशाह किंग खान। पाजी ने करोड़ों से शुरू किया, मैंने कहा ये भी ऐसा कलेक्शन की बातें शुरू कर देंगे। आप जब शाहरुख भाई पिछले बार आए थे तो हम लोग दूसरे सेट पे शूट करते, तभी उसमें आग लग गई मैंने सुना। आप जहां जाए आग लगे ना, ऐसे कैसे हो सकता है। मेरे भाई आपको पता है, जब आप पिछली बार आए थे आपने मेरी इंग्लिश में काफी तारीफ की थी। हाँ, हाँ। और आपका सच्चा फैन होने का, मैंने इंग्लिश में यू ना, आप प्रिपेयर्ड सो मेनी लाइंस इन इंग्लिश। आप जो आप, आई एम ऑलवेज ऑब्लिज्ड टू हैव यू, कम ऑन अबाउट फाइव। आई जस्ट वांट टू से समथिंग इन इंग्लिश। से यू एक्चुअली, इट्स माय ऑनर टू हैव यू ऑन माय शो एंड यू नो आई एम वेरी डिलाइटफुल। इट्स अ फैंटास्टिक फीलिंग टू हैव यू। वन सेकंड, why are you people laughing, you uneducated people? It's a fantastic feeling to have you, magnetic persona like you. And I'm highly obliged. To share this memorable moment, you know, with an actor par excellence like you, I think it's enough. So, it's an honor for me, and can you give me some cash, bhai? Ye last line maine improvise ki thi actually. Baki maine yaad kiya tha thoda. Tu angrezi improvise mat kiya kar. Lekin bahut bahut thank you very much ki tune itni achi angrezi mein mujhko yahan par bulaya. Especially wo par excellence aur memorable to bahut hi maza aaya. भाई आपको पता है ये मेरे लिए जान देने के बराबर थी ये चीज जो मैंने की है। अगर पब्लिक में बोलेगा जान ले लेंगे तेरी, नहीं तो बोला। शाहरुख भाई, एक आपसे सवाल है कि आपने ढेरों फिल्में की जी, लेकिन इतने सारे एक्टर्स के साथ ये आपकी पहली फिल्म है जी। तो इस फिल्म में ऐसा क्या खास लगा कि जो आपने कहा कि मैं ये फिल्म करूंगा? इस फिल्म में कुछ खास नहीं था, इसलिए इतने सारे एक्टर लेने पड़े। जब हमारे पास कोई फलसफे की बात नहीं होती, अच्छी स्टोरी नहीं होती, तो हम बहुत सारे एक्टर जमा करके बचे। पर एक बात ये भी है कि शाहरुख भाई, अभिषेक, जैसे कि आप सब लोग देख ही रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वैसे ही खड़े हो जाना, 3 घंटे कैमरा बोल के आ जाना, भाई 400 करोड़ का बिजनेस तो है ही। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। भाई घी मैंने बंद किया क्योंकि मेरी अपनी भी शुरू होने वाली है। इस फिल्म के प्रोमोज जैसे आप सब लोगों ने देखे, प्रोमो में भी शाहरुख भाई अकेले नजर नहीं आ रहे, पूरी की पूरी टीम, जहां पे प्रमोशन करने भी जा रहे हैं पूरी की पूरी टीम साथ में जाती है। शाहरुख भाई, जब सब लोग ऐसे साथ में प्रमोशन करने जा रहे थे, आपके दिमाग में कहीं आया था कि एक बार दोबारा कॉमेडी नाइट्स में जाने का मौका मिलेगा? मैं कपिल, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो, पाजी बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैं फिल्में बनाता ही इसलिए हूँ कि यहाँ पे आके प्रमोशन कर सकूं। शाहरुख भाई, जब आप पहली बार आए थे ना हमारे शो पे, हमारा शो बड़ा हो गया, तो अभी मैं थोड़ा ऐसे ही बात करता हूँ इनसे कि प्लीज ये ट्यूब चल भी रही फिर भी बदलवा देता हूँ। ये ग्रीन को लाल कर दो, लाल को ग्रीन कर दो। शाहरुख खान इज देयर, मिस्टर अभिषेक बच्चन इज देयर, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन इन फ्रंट ऑफ माय बैक। और जब आप अंग्रेजी में बोलते हो ना तो बहुत रुतबा लगता है। या ना, आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज समटाइम्स यू नेवर नो व्हाट इज दे आर ट्राइंग टू डू इन फ्रंट ऑफ योर बैक। एनीवे, शाहरुख भाई, आप हर फिल्म में अपने आप को रीइन्वेंट करते हैं। इस फिल्म में आपने 8 packs बना लिए। आप चाहते नहीं ना कि मतलब जैसे दीपिका फिल्म में, तो और किसी बंदे पे ध्यान जाए ना उसका? नहीं, मैं कभी भी नहीं चाहता। मैं तो नहीं चाहता कि कोई भी लड़का लड़की किसी और को देखे, सिर्फ मुझको देखे। और जो कुछ अभी तो तुमने तो सिर्फ सेट की लाइटें हटवाई हैं, अगली पिक्चर में 8 pack ऐप के ऊपर मैं लाइटें लगा रहा हूँ ऐसे करके। मैं भी इंग्लिश में बोलता हूँ, यू नो, डोंट टॉक टू मी इन फ्रंट ऑफ बैक, पुट लाइट ऑन ऐप। मेरी वो चलती है। अभिषेक सर, एक बात बताइए, शाहरुख भाई अच्छे प्रोड्यूसर हैं कि अच्छे एक्टर हैं? जो भी जवाब दे दो, फंसोगे आप ही। um,
बहुत ही मुश्किल है लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि ये प्रोड्यूसर ही इज द बेस्ट आई हैव वर्कड विद सो फार. अरे वाह. इसका कहने का मतलब है साले को एक्टिंग उक्टिंग नहीं आती है. नहीं पैसे लगा लगा के अपने फिल्म में बनाया जा रहा है. खत्म नहीं किया मैंने. He is the best producer. नहीं अब खत्म हो गया. And he's possibly the most secure actor I've ever worked with. हाँ. और मैं ऐड करना चाहूँ. जी. Insecure तो वो होता है जिसके पास कुछ हो talent वैटन उस लगे कि चोरी हो जाए. मेरे पास कुछ है नहीं तो मेरे को क्या insecurity है. ये शाहरुख भाई आपकी यही बातें जो आपके लोगों का दिल जीत लेती हैं और लोग आपसे इतना प्यार करते हैं इसी वजह से भाई एक एक सीट पे तीन तीन लोग बैठे हुए हैं आज. अभिषेक भाई एक सवाल और है जी. कि फिल्म में 5 मेल एक्टर्स हैं जी लेकिन दीपिका के साथ रोमांस सिर्फ शाहरुख भाई कर रहे हैं जी. तो ये स्क्रिप्ट की डिमांड थी कि प्रोड्यूसर होने का फायदा ले रहे हैं. अच्छा. ये आप प्रोड्यूसर से ही पूछ लीजिए. ऐसा नहीं है कभी कभी मुझको फ्री में भी लड़कियां मिल जाती हैं. भाई तीन हैं ऐसी जो शाम पे मरती हैं. ऐसा क्या है. अरे क्या बात है. अच्छा भाई बीच में जब आपने एडवांस बनाया ना तो लोग कई ऐसे बातें कर देते हैं अरे वो सब स्पेशल इफेक्ट्स होंगे. कितना बुरा नहीं लगता आपको. नहीं यार कई बोलते हैं ऐसे स्पेशल इफेक्ट होगा ये होगा फलाना होगा इसलिए कई जगह पर मैं चलते चलते उठा देता हूँ ऐसे. पहले 3 दिन तो जब मैंने बनाए थे ऐसे ही घूमता था मैं बस यूँ करके. अब जिसके पास है वही दिखाएगा. चलते चलते वो होता भी ना एक मेहनत की आपने. चलते चलते बंदा सर्दी में भी कहता है यार यार खुजली हो रही है. अरे 3 पैक नीचे से निकला है. नहीं नहीं मैं तो रिक्शे वाला को पैसे भी ऐसे निकाल के देता था. लेकिन मैं आपको बता दूं कपिल इनसे ज्यादा इनडिसिप्लिन्ड जिम वाला आपने शायद देखा ही नहीं होगा. Indiscipline. ज़्यादा English होगी. Like हिंदी में बोलो. See I tell you in the English आपको लगेगा discipline के अंदर है. Indiscipline. I was getting him. क्योंकि हमारी industry में 2 pack, 4 pack, 6 pack, 8 pack हम लोग तो family pack लोग हैं. आप तो ज़रूर हैं. So ये सब जो करते हैं they have to lead a very disciplined life. माने खाना पीना छोड़ देना पड़ता है. 4-4 घंटे जिम में लगाते हैं. ये दिन भर खाते रहते हैं. रात को 3 बजे जिम जाते हैं आधे घंटे के लिए. दैट इज इट. और इनकी जितने भी पैक्स हैं वो सब भगवान की देन है. उनको हमेशा बोलता हूँ मैं ही इज ट्रूली ब्लेस्ड. ये मेरा ना कोई मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यार. मेरा ना कोई टैलेंट नहीं मानता. सब कहते ब्लेस्ड है ब्लेस्ड है ब्लेस्ड है. पहले 5 साल पिक्चर चलने लगी तो कहते फ्लू क्या डिम्पल से निकल पड़ी इसकी. तो डिम्पल भी तो मेरे ही है ना. ऐसे फिर उसके बाद हमारे एक ड्राइवर हुआ करते थे कबीरा. तो वो हमसे पहले मिथुन दा के थे उससे पहले धर्म जी के थे उससे पहले राजेश खन्ना साहब के थे. तो जब मेरी 4-5-10 फिल्में चल गई तो वो कहने लगे मेरा लकी ऐसा मैं जिस स्टार के साथ काम करता हूँ वो सुपर स्टार नहीं. फिर 15 साल के बाद भी मेरी जब पिक्चरें चलती रही तो मेरी मदर इन लॉ कहती है कुछ नहीं आएगा ये तो मेरी कुड़ी की किस्मत है. अरे शाहरुख भाई आपने मिस्टर बच्चन के साथ काम किया है अभिषेक के साथ काम किया है जय मैम के साथ काम किया है ऐश्वर्या मैम के साथ काम किया है. इनकी फैमिली में कोई एक चीज कॉमन बताइए अच्छे एक्टर होने के अलावा और कौन सी ऐसी कॉमन चीज है. एक तो ये एक दूसरे से रिश्ते में ये बात कॉमन है. दूसरी बात सचमुच बात जो बहुत इंप्रेसिव है पूरे बच्चन खानदान की वो ये कपड़े बहुत अच्छे पहनते हैं यार. हमेशा वेल ड्रेस लेते. मैंने आज तक कभी ना इनको कुर्ते पजामे में नहीं देखा ऐसे हिले ले ले ले. सब ऐसे. आप अमित जी को देखो हाँ 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 ऐसे रहते हैं. अभी अभिषेक आए कैसे स्ट्रेट आए. ऐश को देखो एकदम ऐसा ऐसा. जय आंटी को भी देखो तो एकदम ऐसा वो चलती हैं दो करके और सब टिप टॉप रहते हैं हमेशा. मतलब मैं कभी पूछना चाहता हूँ आज पूछ ही लेता हूँ आप लोग जब रात को पिजामास वगैरह भी पहनते हो या ऐसे ही सबके सब. कोई मौका हो अच्छा बेवक्त आप मेरे घर में आ जाओ तो ऐसे कच्चे बच्चे के अंदर मैं मिलूंगा. आप इनके घर में कभी भी एवरीबॉडी इज ड्रेस्ड अप हमेशा वेल ड्रेस्ड. जैसे शाहरुख भाई ने अभी बोला सच्ची में लोगों को लगता भी है कि सच्ची में रात को टाइवेल लगाते हो क्या हो रहा है मैं सोने जा रहा हूँ. पर
ठीक है सर, ये आप लोगों का ऑरा है और सर लाइफ आप ही लोगों की है ना, सुपरस्टार लोगों की नहीं, ऐसी हम बात तो हार्ट अटैक का वेट कर रहे हैं नहीं ऐसी बात नहीं है यार, एक्चुअली लाइफ आप लोगों की, जो कॉमन लोग हैं, नॉर्मल हैं, जो स्टार्स नहीं है उनकी बेहतर होती है मेरे हिसाब से। ऐसी बात नहीं है ये, आप बैठे यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप लोग इस बात से सहमत है ये कि आपको नो कह रहे हैं नहीं नहीं शाहरुख भाई ने, मेरे भाई आप नहीं अच्छा वो लड़की नहीं, नहीं नहीं भाई बट भाई हाँ मैं समझ गया, चीता कलर की जो जैकेट पहन के आई ना, आप मेरे को सब पता है तो आप में से कौन ऐसा है जो शाहरुख जी की बात से सहमत नहीं है, जो ये कहते हैं कि नहीं लाइफ है तो सुपरस्टार्स की, पहले हाथ खड़ा करते क्वेश्चन माइक दे दीजिए भाई साहब को। हाय कपिल सर। हाय। हाय शाहरुख जी। हाय अभिषेक जी। हम लोगों को यही लगता है ये लोग रोमांस भी करते हैं तो उनके भी इन लोगों को पैसे मिलते हैं, हमें दिए इनके भी पैसे मिलते हैं, हमारे बीवी साथ में है, गलती से किसी लड़की के ऊपर नजर भी पड़ जाए अच्छे नजर से भी तो रात को महाभारत और डंडे पड़ते हैं ये आपकी मदद कर रहे हैं, अब आपके पास में नहीं है, अब ताड़ लो जिसको ताड़ना है। तो अभी प्रूफ कर देता हूं, एक माइक मिलेगा, मैं माइक देता हूं सर, एक सेकंड बजट हमारा बड़ा है सर जी मैम आपका शुभ नाम? सरिता अग्रवाल। ये मिस्टर अग्रवाल है? हाँ। अच्छा, और ये कह रहे हैं कि हमें रोमांस करने के लिए भी पैसे मिलते हैं मिस्टर शाहरुख खान किंग ऑफ रोमांस मैं पैसे नहीं दे रहा हूं इनको आप मुझे बताएं आप करते हैं इनसे रोमांस कैसे करते हैं बुला इधर आ जाइए ना आप बोले ना ये बोले आए यहां बोले अब आप बताएं, आपने कहा ऐसा कि जब मैं हम रोमांस करते हैं तो हमको पैसे मिलते हैं, आप बताएं आप कैसे रोमांस करते हैं, तो मैं आपको ये बात समझाऊंगा। कुछ बोले रोमांटिक मिसेस अग्रवाल को? आई लव यू वेरी मच। आप ऐसा रोमांस करोगे तो पैसे देने पड़ेंगे बेटा। आई लव यू वेरी मच। आई लव यू वेरी। मैं आपको आज सिखा कर भेजूंगा कि आपको भी पैसे मिलने लगे रोमांस। मिसेस अग्रवाल बुला बुला के पैसे देंगे, ये लो 2.5 रुपए ये लो जो तुमने आज आंख मारी उसके 4.5 रुपए होते हैं। हाँ ऐसा हो जाए तो कमाल हो जाए ना। कमाल हो जाए। ठीक है तो आप करो, मैं आपको सिखाता हूँ। कोई रोमांटिक लाइन बोलो मिसेस अग्रवाल को, मैं ठीक करता हूँ आपको। पहले तो हिलना कम करो। बहुत ज्यादा खुल गया थोड़ा कम तो बाहों में ये पकड़ने के लिए आप नहीं खड़े हो, थोड़ा और कम जैसे ये कर ऐसे इतना रखो ऐसा लग रहा है कि ऐसे तो ऐसे ऐसे रखोगे ना ऐसे लगता है कि जो नेबर की बीवी है उनको भी बुला रहे हो। सब आ जाओ सब आ जाओ सब आ जाओ। एक रानी ने से अपनी बीवी के लिए अब बोलो माइक माइक एक हाथ यहां रखो मैं पकड़ता हूं। नहीं मैं पकड़ता हूं, आप सिखाइए। मैं आज सिखाते रोमांस सिखाते कहो तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां। अब घूमो उधर और घूमो और घूमो थोड़ा और घूमो। हाँ इधर आ जाओ। पलट के मत देखना। मैं नहीं देख रहा उसे। मत देखना। हो गया अग्रवाल साहब, आधा आधा मैंने आपको सिखा दिया, आधा इनको सिखा दिया, वो हो जाएगा काम हो जाएगा आपका माइक सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया भाई साहब। छोड़ दो। थैंक यू जी। और कोई हमारे ऐसे दोस्त जिनको ये लगता है जो सेम जो भाई साहब को लगता था? हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। हाय। माय क्वेश्चन इज फॉर अभिषेक सर। जी सर, आपके पापा अमिताभ बच्चन हैं और आप शाबाश वेल डन सही जवाब हम इस शो में आते हैं इसलिए नई नई बातें मालूम पड़ती हैं
सर आपको स्कूल में टीचर से तो काफी रिस्पेक्ट ही मिला होगा. आपने कभी आपको कभी मार नहीं खाई आपने कभी? रोज खाता था मैं मैम, मुझे रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करते थे, इसलिए ये हालत है. और पता है क्या होता है, एक्टर का लड़का होना कभी कभी पिक्चर नहीं पसंद आया अमित जी की, तेरे डैडी की तो पिक्चर और उसके ऊपर टिकट ब्लैक में खरीद के ये पिक्चर घटिया पिक्चर. मेरा बेटा तो जब मार खा के आता तो बोलता है पापा फ्लॉप हो गई थी क्या लास्ट टाइम. मैं वापस उस मुद्दे पे आता हूँ कि आप में से अभी भी किन किन को लगता है कि सुपरस्टार्स की लाइफ जो है आप लोगों से बेटर है? जी भाई साहब. सर वाकई हीरोज की लाइफ बहुत अच्छी होती है, मस्त होती है, वो 24 घंटे अप टू डेट रहते हैं. जैसे आपने बोला अभी, मतलब कैसे आप ये सब करते हो हिसाब किताब? नहीं, आपके चेहरे पे पसीना नहीं दिखता, यहाँ नहीं दिखता, हमारे बुरे हाल हुए पड़े हैं. यार ये इसका सुपरस्टार होने से कोई लेना देना नहीं, आप अपनी साफ सफाई का ध्यान रखो. भाई आप क्यों हरदम फ्रेश क्यों रहते हैं भी आप? आई एम सॉरी, मैं आज से कपिल के शो पे कसम खाता हूँ, ना बाल बनाऊंगा, ना दांत धोऊंगा, ना नहाऊंगा. क्योंकि हमारे साफ सुथरे लगने से आपको इतना बुरा लग रहा है, अगली बार जहां रहते हो ना ट्रेन पकड़ के जाओगे वहां तक मेरी बदबू आएगी तुमको. हेलो. पूरा भारत जो है वो स्वच्छ भारत अभियान चला रहा है और आपको उनके नहाने धोने से प्रॉब्लम है. बड़ा क्या बात है. अभी आप ट्रेन में बैठ के आपने टिकट रिजर्व कराई थी कि जनरल टिकट ली थी? कराई रिजर्व थी लेकिन आया जनरल में उसे. नेक्स्ट टाइम आप रिजर्व मत कराइएगा, जनरल में आइएगा, जो पैसे बचेंगे उसका एक साबुन लीजिए और दिन भर नहाइए आप. थैंक यू सर. जी और कोई हमारे दोस्त इस मुद्दे पे बात? जी भाई साहब. मेरा सवाल अभिषेक सर से है. जी आज इतने बड़े स्टार हैं, इनकी लाइफ क्या मजे ठाट की. जब ये सुबह उठते हैं तो मिस वर्ल्ड इनके लिए पराठे बना के लाती है. आपको क्यों जलसी हो रही है? एक बात और कहना चाहूंगा, आज हमारी दाढ़ी बढ़ जाए या बाल बढ़ जाए तो लोग बोलते हैं इसके पास देखो समय नहीं है, इतना ये आलसी हो रखा है, और इनकी दाढ़ी बढ़ जाए तो स्टाइल बन जाती है. सिखा दूंगा आप बात में बात. आज हमारी जींस भी फट जाती है तो लोग बोलते हैं देखो इसके पास लगता है कपड़े नहीं है पहनने के लिए, कैसा घूम रहा है. इनकी जींस फट जाए तो ये फैशन बन जाती है सर. तो बेसिकली हम लोग कपिल के शो पे आए, हमें ये एहसास हुआ है कि हम लोग कुछ नाते ज्यादा हैं, फटे हुए कपड़े पहनते हैं, शेव नहीं करते, और कुछ और बुराइयां हैं जो आप बताना चाहेंगे, हम लोग चुपचाप यहां से निकल जाएंगे. सर सर मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि हमें जो दिया जाता है वो पहन के आ जाते हैं, हमारे कुछ खुद के कपड़े तो हैं नहीं. सुबह टाइम नहीं मिलता है शेव करने के लिए, इसलिए इस हाल में आना पड़ता है आपके सामने. आप लोगों को झेलना पड़ता है हम लोगों को, ये आप लोग की बड़प्पन है बस. आप कहां से हैं भाई साहब? मैं कलकत्ता से आया हूँ, सिर्फ इस शो के लिए आया हूँ कलकत्ता. अच्छा से जी, अच्छा. तो किनके साथ आए? रसगुल्ले तो ले आते, मैं आधा बंगाली हूँ. मेरी वाइफ है और मेरा बेटा है. कहाँ है आपकी वाइफ? आप क्या पकाती हैं मैम सुबह सुबह? हेलो, मैं तो फुलके पकाती हूँ क्योंकि ये पतले रहे ना. ये पक क्या पतले रहे? पतले रहे तो फुलके बनाती हैं जी. पर ये भी तो फुलके की तरह फूल ही रहे हैं, पतले तो फूल ही रहे हैं. ये बहुत अच्छा लगा भाई साहब आप आए, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी. थैंक यू. मैं वही तकिए के नीचे बैठा हुआ था. अरे दीपिका कहाँ है अभी? अरे दीपिका कहाँ है? वो भी तकिए के नीचे, मेरे साथ ही थी. I am fed up यार, एक को ढूंढो दूसरा भाग रहा है. तो किसने कहा इतने सारे स्टार इकट्ठे करने के लिए आपको फिल्म में? मैंने कहा था तुम्हारा वेट लूज हो जाएगा. अच्छा, तो हो रहा है कार्डियो मेरा. दीपिका को ढूंढ के लाती हूं उसको. दीपिका ये सेट पे भी यही सब करती रहती बाजी? यही करती रहती, पिक्चर तो हमने बना ली, ये तो इधर उधर घूमती रहती है. One
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. हेलो, कितना माइक चेक करेंगे आप? माइक तो मैं 1, 2, 1, 2 में चेक कर लेता हूँ, ये तो मैं ऑडियंस चेक कर रहा था. ये अपना मुरादाबाद, फैजाबाद और रुड़की से शो की कामयाबी के बाद मैं अपने वतन लौट आया हूँ दोस्तों. जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई. यहाँ पे ओ असली शाहरुख खान, बॉलीवुड की शान असली शाहरुख खान और युवतियों के दिलों के धड़कन अभिषेक बच्चन. भाई साहब आप कौन है? मैं कौन हूँ? चड्डा विकी चड्डा. जी हाँ, ऑफिस अपोजिट बस अड्डा, 5-star ऑर्केस्ट्रा प्रोप्राइटर विकी चड्डा. दोस्तों आज एक ऐसा सनसनाता टैलेंट आपके सामने पेश होगा आज कि आप सारा बोर हो जाएंगे एंटरटेनमेंट से. एक ऐसी डांसर, ऐसी खूबसूरत करा जो आपके दिलों में छा जाएगी दोस्तों. जी हाँ, जोरदार तालियों से स्वागत करिए. किसका स्वागत? कैसे ताली मार रहे हो फालतू? जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मैजिक मोहिनी का. How are you, Deepika? कैसी लगी? You are better in love with me, babes. Babes. My mom has already said yes to. Then why? Have you asked my mom? No, I know she will say no. Why are you asking? Deepika, तुमने सच में इनका ग्रुप ज्वाइन किया? मैं तो इनके साथ हूँ. मैं मोहिनी हूँ. हाँ. हमारे ग्रुप की टीम से ये तो हमारे ग्रुप में है ये. What is this? शर्म नहीं आई उन भेड़ियों के साथ? अकेला छोड़ के आ गए आप मुझे? क्या हो गया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार. नहीं, नहीं, कोई बात नहीं. नहीं, असली भेड़िए थे वो, असली भेड़िए. वो जो पूंछ वाले, दांत वाले. हाँ, वही वाले. मुझसे ये इन्होंने कहा था कि जंगल में शो है, मैं इनके साथ चली गई जंगल में शो करने. ऑडियंस के नाम पे सिर्फ 4 भेड़िए. मुझसे कहने लगे ये चीफ गेस्ट हैं. मैं भी मान गई. ये खुद वहां से भाग गई हूँ फटाफट. और फिर अचानक एक भेड़िया तो स्टेज के ऊपर आ गया. मैं इतनी घबराई, लेकिन मैंने कहा कि चलो चीफ गेस्ट है तो थोड़ा हल्का हल्का परफॉर्म करती रहती हूँ, तो मैं करती रही. जब भेड़िया ऐसे लपक के ना उसने हमारे स्टेज पे पड़े हुए तबले को खाया ना, फिर मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है. मैं ऐसी घबराई, ऐसी घबराई कि वहां से भाग के सीधा यहाँ पर आई हूँ. ओह गॉड. चलो शुक्र है भेड़िए ने तबला खाया, आपका नगाड़ा बचा हुआ है. और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप किसी और डांसर को बुक करने आए हैं? या किसी और डांसर को? ऑपोजिट बस अड्डा मिस्टर चड्डा, इनको बुक करने आए. मैजिक मोहिनी. देखिए ये नाम मैजिक मोहिनी रखने से ना कोई दीपिका पादुकोण नहीं बन जाता है. असली दीपिका पादुकोण है. हाँ, असली दीपिका पादुकोण है. असली ये डुप्लीकेट की आदत पड़ी हुई है सब लोगों की, असली निकली. चड्डा साहब आप बुरा मत मानेगा जलिस जूरी, ले मुझे डांसर कम बाउंसर ज्यादा लग रही है. आता पाए नहीं, आता पाए नहीं. कंट्रोल. हेलो, तुम लोग अपना झगड़ा बाहर जाकर जाओ, यहाँ पे काम चल रहा है. चलो. नहीं नहीं नहीं, बाहर जाके क्या, जो भी होगा यहीं पे होगा, यहीं पे सब कुछ सॉल्व होगा. अभी के अभी. क्या अभी मतलब? अभी मतलब वो आपका वाला अभी नहीं, अभी एज ए नाउ वाला अभी. अभी क्या क्या फैसला करना है तुम्हें? आपको ये सब मजाक लग रहा है ना? यहाँ पर मुझे छोड़ के किसी और को साइन करने की बात करें, आपको ये मजाक लग रहा है? कुछ नहीं, अभी के अभी यहाँ पर डांस फेस ऑफ होगा बिटवीन जेलिस जूली एंड मैजिक मोहिनी. अच्छा, पता चल जाएगा किसने कितना है डांस. आई एग्री, इट्स अ गुड आइडिया, वेरी गुड. जूली तू पागल है फेस ऑफ करने जा, खुली ग्राउंड दे जाके टेक ऑफ कर तू. क्या फेस ऑफ के चक्कर में पड़ी हुई है, पागल है तू?
मुकाबला होगा और अभी होगा और अनाउंसमेंट करेगा विक्की चड्ढा। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ है मैजिक मोहिनी, जी हाँ उनके जैसे कोई नहीं, और दूसरी तरफ है सुबह की भूली जलस जूली। डिसाइड कैसे होगा? ऑडियंस डिसाइड करेगी वेगन होगा कौन, क्योंकि सामने खड़े हैं डॉन, मोहिनी, जूली 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 मोहिनी जूली। सर मैं आपको एक मिनट यहाँ बता दूँ, सब लोग यहाँ जूली मोहिनी हमारे कलकत्ते वाले पराठे पराठे बोल रहे हैं, कह रहे थे ना आप, हाँ भूख लग रही है मैडम। जनता जनार्दन को मैं अनाउंस करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि विनर है वन एंड ओनली, जी दोस्तों जोरदार तालियां शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन और दीपिका पादुकोण के लिए। विराजमान हो जाइए, ढेर सारी बातें करेंगे आपके साथ। लगा कि आप कभी पूछेंगे ही नहीं कि हम बैठे हैं, लग रहा है कि रात भर यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा। जी शुक्रिया दीपिका भाई, कंफर्टेबल आपको? थोड़ा अंदर चला जाता है, इसके नीचे फोन लगवाओ यार तुम। ये लगवाने के बाद ही ऐसा हुआ, पहले तो नीचे हो जाता था, पहले तो ऑलमोस्ट इस पे जो बैठता था इट्स लाइक डाउन टू अर्थ। बाहर फेंक दिया था, मैंने उठा लिया। दीपिका के बारे में बताना चाहता हूँ, बहुत बिजी एक्ट्रेस है, 20 दिन फिल्म में बिजी रहती है, 10 दिन कॉमेडी नाइट्स में। दीपिका एक बात बताइए, इस फिल्म में 5 मेल एक्टर्स हैं जी, सबसे ज्यादा आपको एंटरटेन किसने किया ऑन सेट? तुम ये जेलसी से पूछ रहे हो या सीरियसली पूछ रहे हो कि पता चल जाए? नो ऑफ कोर्स इट्स जेलसी। सबसे ज्यादा किसने एंटरटेन किया मुझे? आई थिंक सबसे ज्यादा सभी ने मुझे एंटरटेन किया, एक्चुअली सबसे ज्यादा फारा ने टाइम लिया था। मंडे टू फ्राइडे हम करते थे, सैटरडे संडे कॉमेडी नाइट्स में होती है। अच्छा आप, हो सकता है कि आपके दिल में कुछ हो, आप मुझे कहना चाहती हूँ, कहना पाती हूँ, अब मौका भी है आशीर्वाद देने के लिए, इंडस्ट्री के दो सीनियर आर्टिस्ट भी यहाँ पे मौजूद हैं। आपको पता है ना कि he's very possessive about me। कौन है आपके लिए पोजेसिव? मेरे को एक बात बताइए, 3-4 हीरो के साथ आप आई हैं अलग अलग फिल्मों को लेकर, वो पोजेसिव कौन नहीं आपके लिए मुझे बताइए ना? सबसे ज्यादा तो ये है, आप पोजेसिव बोलकर मुझे अग्रेसिव कर रही हैं आप। जो भी है, शाहरुख सर के साथ दीपिका ने 3 फिल्में की है, मेरे साथ 4 एपिसोड, सो समथिंग इज देयर एक्चुअली। वी बोथ डोंट वांट टू रिवील, सो प्लीज माइंड योर ऑन बिजनेस, यू केम हियर फॉर शूट, सी द शूट एंड प्लीज डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। ओके दीपिका, आपने जितनी भी फिल्में की हैं आपने अलग अलग तरीके के किरदार निभाए, जैसे शाहरुख भाई चेन्नई एक्सप्रेस में इन्होंने मद्रासी लड़की का किरदार निभाया था, फाइंडिंग फैनी में गोन लड़की का, हर फिल्म में अलग अलग। मैं आपको आप ही का एक डायलॉग देता हूं जिसको आपको अलग अलग मूड में बोलना है, तो ये डायलॉग ये है आप ही की फिल्म का है, आपकी फर्स्ट फिल्म ओम शांति ओम का, कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, एक औरत के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर। तो ये इमोशनल था, इसे आपको खुश होकर बोलना है। आप रमेश बाबू बन जाएंगे? मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ।
रमेश, हालांकि नाम मुझे पसंद नहीं, इतना मार्केट में आजकल आता नहीं है, नाम के बच्चे आने बंद हो गए, बट फिर भी आपके लिए मैं रमेश बाबू। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। फ्लर्ट करने नहीं बोला, हंसने बोला। खुश हो गए। ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर। ए, कुछ भी करती मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। ओके, यही डायलॉग अब आपने बोलना है। अरे यार, कि आपने शराब पी हुई है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। प्रोड्यूसर लगा रहता पीछे से। रामलीला में साइड में लाइनें पढ़ते रहते हैं। अरे शाहरुख भाई, आपको रोमांस करते हुए पूरी दुनिया जानती है, यही डायलॉग अगर ये रोमांटिक डायलॉग, इसको आपने गुस्से में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? मुझे वांकडे स्टेडियम जाना पड़ेगा पहले तो। यार तेरी शक्ल देख के ना गुस्सा आता नहीं मेरे। प्यार प्यार आता है मुझे। अच्छा है, मैं ट्राई करता हूँ, बीच में हंस पड़ा तो माफ कर देना। जी भाई। वो एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो बहन के भाई। सदा सरसों का साग होता है एक चुटकी सिंदूर। अभी गुस्से में मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। अभिषेक भाई, आप बड़े इंटेंस एक्टर हैं, यही डायलॉग अगर आपने बोलना है रोमांटिक तरीके से, आप दीपिका हैं, यहाँ लड़की है कोई भी है, रमेश बाबू ये है, चलो। एक तेरा कहने का क्या मतलब है, वो दाढ़ी वाली दीपिका है? कैसे हो सकता है? सर अग्रवाल जी ने कह दिया ना, अभी फैशन हो गया है, अभी क्या करें, समय नहीं मिलता है सुबह सुबह। अग्रवाल जी आप देख रहे हैं, ये कर पाएंगे आप? अग्रवाल जी कर पाएंगे? खड़े भी हो गए, तैयार हो गए। अग्रवाल साहब, आप पैकअप से थोड़ा पहले निकल जाना, उनकी सुई आप पे अटक गई है। अच्छा अभी यहाँ तो बैठे, लेकिन कोलकाता में जाके करेंगे बातें। या आई स्पोक टू अभिषेक 3 times एक्चुअली। He called me again and again. Actually, he was just crazy about me. इनके तो बड़े कंप्लेंट थे ना, सुबह सुबह पराठे मिलते हैं, शेव नहीं करना पड़ता है, फटी हुए कपड़े पहन के आ जाते हैं। आइए आप अभी रोमांस करिए, दिखाते हैं आपको। आइए आइए। मिसेज अग्रवाल, आपको एतराज ना हो तो बेबी अग्रवाल तुम ये करेगा भी अच्छा है। घुटने के बल आ जाइए आप यहाँ, एक घुटना टिक, एक एक जो भी आप चाहें आज चुन लो, नो प्रॉब्लम। दोनों ही इज गोइंग टू डू रोमांटिक, ही विल डू द रोमांटिक थिंग्स, एक्टर्स लाइव्स आर वेरी इजी। डायलॉग, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। एक सुहागन के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर। ये सुहागन के सर का ताज होता है। अभी 10 रुपए रखिए, माथा टेक के जाइए। क्या कर रहे हैं आप? आ जाइए। वेरी गुड। पर अच्छा किया अग्रवाल साहब आपने, शुक्रिया। कोलकाता के लोग वैसे ही तो स्वीट होते हैं, अंदर स्वीटनेस तो है। शुक्रिया भाई साहब। ये होती है कोलकाता वालों की खासियत, बंगाली लोगों की अंदर से स्वीट होते हैं, और ये होती है एक स्मार्ट एक्टर की पहचान, अपना काम दूसरे पे डाल दिया। हेलो, हेलो, मैंने आपसे पहले भी जैसे कहा था कि सिर्फ शाहरुख भाई, अभिषेक और दीपिका नहीं, 5-7 हजार लोग और भी आए हैं। तो अच्छा चलो, फिल्म तो बन भी गई, अच्छी बन गई है, प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, अब बैठने का क्या करें? ओ यार, मैंने सारा बोला था कि इस घर में जाओगे बैठने की कोई जगह नहीं मिलेगी, फिर भी चलो 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 अभी। इतना हिट शो है, एक सोफा और नहीं रख सकते थे? देखिए मैम, शो की बात नहीं है, आपकी फिल्म के प्रोड्यूसर है मिस्टर शाहरुख खान, और इस शो के जो प्रोड्यूसर है उसने बड़ी मुश्किल से हरे रंग का कोट अरेंज किया, आपको क्या बताएं कैसे करें? अरे हमारे प्रोड्यूसर ने हमारे बैठने का भी इंतजाम अरेंज किया, लेके आओ रे, चलो बेटा। There's no way I can sit on this. मैंने आपसे शुरुआत में क्या बोला था? ए लेके आ रे। बोला था ना मैंने आपसे?
कपिल सर, मैं इस पे नहीं बैठ सकता हूँ. नहीं नहीं सर, फट 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 जाएगा. बैठे हैं, बैठे जी, आप प्लीज बैठिए प्लीज. अभी तुम्हारे लिए भी अरेंज करूँ सोफा? मेरे पास है, ये इज अ कॉर्पोरेट होल फॉर मी एक्चुअली. आप बैठिए प्लीज, आप आइए बैठिए सर. अच्छा, कैसा लगे ना, कोई इतना शो चल रहा और एंकर बिल्कुल सीरियस और क्वेश्चन भी ऐसे हो, तो यू नो दिस इज सम डिफरेंट काइंड ऑफ मूवी. बैठे तो बच्चे को भी स्ट्रगल करें तो उसको पता चले. भाई घूम घूम के इंटरव्यू करनी पड़ेगी आज. पवन सर, आप इस फिल्म में सबसे यंगेस्ट एक्टर हैं दिल से. जी बिल्कुल. मतलब मैंने सुना है कि फिल्म के अंदर ही नहीं बल्कि फिल्म के सेट पे भी लेडीज में आप सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं. ऐसी क्या कशिश है सर आप में, आपको क्या लगता है? मेरा कैरेक्टर भी वैसा है, मुझे टोपी दिया गया था, सिर्फ टोपी पे लिखा है स्टड, बाकी का मतलब कुछ स्टड नहीं है. और फारा ने जब मुझे ये रोल के बारे में बताया था तो बोले काफी रोमांटिक कैरेक्टर है. ओके. और 6 महीने पहले से हम लोग रिहर्सल करते थे. अच्छा. और उसमें एक किसिंग सीन था ये पिक्चर में. अच्छा. तो फारा इज एक्टर्स डायरेक्टर, वो एक्टर को सीन खुद दिखाती है कैसे करना. तो 6 महीने से मैं फारा के घर पे जाता था और रोज सिखाती थी मुझे किसिंग कैसे करना. देखो बुढ़ापे में है ना, ख्याली पुलाव पकते हैं. पर आपको आपको लगता है कि बमन सर के अंदर वही कशिश है जिसे आप समझते हैं कि मैं अच्छे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ज़हीन कशिश. मैंने उर्दू में 10वीं की है सर. मुशायरा लगने लग गया. अरे इतनी क्या जल्दी थी फिल्मों में आने की. अच्छा सोनू भाजी, हमें अभी शाहरुख भाई ने बताया कि आपकी और बमन सर की काफी गहरा एक रिश्ता है जी. आप काफी मतलब उनकी, आप मेरे ख्याल से ये भी बताया उन्होंने कि ज्यादा फर्क भी नहीं है आपकी एज में उनके, ऐसा कुछ है? बिल्कुल है सर. कैसे? थोड़ा सी फर्क है हमारा. मैं 19 बॉर्न हूँ, यू नो 18 सेंचुरी से बॉर्न है. 18 सेंचुरी से मतलब? मैं वो डायनासोर्स के साथ खेलता था बचपन में. इन्होंने तो ये भी कहा, कहते मंगल पांडे ने जब विद्रोह शुरू किया था बमन सर की सलाह पे किया था, ऐसे बता रहे थे. बहुत 50 ग्राम पनीर का टुकड़ा कितना स्वीट है. पर मैम, ऐसा सुनने में आया कि ये फिल्म आप काफी पहले से बनाना चाहती थी और पहले इसकी कास्टिंग भी अलग ही थी, तो आप विवान के बड़े होने का इंतजार कर रही थी? मैं हूं ना, मैं नसीर भाई को लेकर यही बोल रही थी, जरा करो ना कुछ करो ना. आप विवान इसमें हैकर का एक किरदार निभा रहे हैं ना जी, तो अगर आपको सचमुच हैकर बन जाएं आप, आप किसका अकाउंट हैक करना चाहेंगे? शाहरुख सर का. इनफैक्ट मैंने किया भी था. इनफैक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है. मैंने एक बार ये रोल के प्रेपरेशन के लिए मैंने इन सबके अकाउंट हैक किए, सबके अकाउंट हैक किए थे. रैगिंग हो रही है, रैगिंग. एक बात बता, आपका शोषण ऐसे ही होता रहा फिल्म में? ये अभी एक रिचुअल सा हो गया है कि जब भी हम साथ में मिलते तो क्या है कि जब मैं इसके लिए रिहर्स कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था इस रोल के लिए, तो मैंने सबके अकाउंट्स हैक कर दिए. सबसे पहले मैंने शाहरुख सर का अकाउंट हैक किया. कौन सा वाला अकाउंट? जितना भी, जितने भी इडियट बैंक अकाउंट हैक करना. नहीं तो मैंने जब अकाउंट हैक किया, हैक करने के बाद पता चला कि ये एक फेक अकाउंट था और जिसने ये फेक अकाउंट खोला था वो मुझसे ही बहुत खतरनाक हैकर था और उसने मेरा अकाउंट उसके बाद हैक कर दिया. तो इसके बाद दोबारा मैंने कभी किसी की अकाउंट हैक करने की कोशिश नहीं की. एक फिल्म में कितने किलोमीटर चल लेते हैं आप? अच्छा दीपिका जब गुस्से में होती हैं, इट्स अ फनी क्वेश्चन यार, ये गुस्से में होती है, हाउ क्यूट. दीपिका जब गुस्से में होती हैं तो कैसे बिहेव करती है? विवान आप सबसे छोटे तो मैं आपको सच्ची में बताऊंगा. विवान मैं सच्ची में सच्ची में कसम खा के बताऊंगा कि सच्ची में कसम खा के बताऊंगा. सच्ची में कसम, ये तौलिया अंदर करो जी. नहीं मैं सच्ची में बताऊंगा कि आई थिंक दीपिका कभी भी किसी ने भी उनको बुरे मूड या गुस्से में या अपसेट कभी भी देखा होगा. और विवान तो 150 हीरोइन के साथ काम कर चुका है, उसको सब मालूम. नहीं सच्ची है, मैंने भी आज तक दीपिका कभी भी बैठ हुआ है.
अरे सर, एक और सवाल मन में था. जब भी विवान कुछ बोलते हैं, आप इनको उठ के चलने के लिए बोल देते हैं, ऐसा क्यों? ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि विवान जब फिल्म की शुरुआत हुई थी तो डायलॉग और चलना एक साथ नहीं कर सकता था वो. अच्छा. तो या तो डायलॉग बोलता है या चलता है, और वो भी मंडे को डायलॉग, ट्यूसडे को चलता है. तो उसकी ट्रेनिंग दे रहे थे, जरा करके दिखाओ बेटा. चलो नहीं, लेकिन अभी मैंने सीख लिया, अभी मैं बहुत और बोलने की कोई कोई जरूरत नहीं. हिंदुस्तान के जितने भी माँ बाप हैं उनसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को 18 से पहले फिल्म लाइन में ना भेजें. ये सब हालांकि ये ऑलरेडी नसीर साहब के बेटे हैं, आम बंदे का क्या हल करते होंगे. और जितनी यहाँ पे मस्ती हो रही है, हम सब में से कोई भी नहीं चाहता कि ये मस्ती को हम लोग इस शाम को आज समाप्त करें. लेकिन इन्होंने अभी भी प्रॉमिस किया कि हमारे साथ कल तक बने रहेंगे, इनके लिए जोरदार तालियां. सो आप सब लोग भी हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.